छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है, जहां कई दिग्गजों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है, जिसमें कांकेर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी आसाराम नेताम अपने कुलदेवता का पूजन अर्चन करने के बाद मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया है। वहीं कांकेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने भी मुड़पार के मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इसी के साथ कोंटा गाँव से कांग्रेसी प्रत्याशी मोहन मरकाम, बीजेपी प्रत्याशी लता हुसैंडी, कांग्रेस से कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी कबासी लखमा, नारायणपुर से बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने वोट किया है। वहीं राजनांदगांव हॉट सीट से डॉक्टर रमन सिंह शाम को 4 बजे मतदान करेंगे।